तो दोस्तों देख लीजिए, ब्रेक नहीं लगने का कारण क्या है। तो डिस वाली पट्टी देखिए, इसके अंदर ये गुटके आते हैं ना, इसमें देखिए कितना सारा ऑयल जमा हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसको वाइट वाइट दाने से दिख रहे होंगे आपको, ये सिरप के दाने हैं। तो इनको करते हैं सफाई अभी। तो इस तरह को आपको पट्टी को पकड़ना है कुछ प्रकार से। बैक टू माडो चैनल, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों थंबनेल टाइटल लेके समझ गए इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास में फीडबैक साइकिल है दोस्तों, 21 गियर वाली, और यहाँ पे ये देख लीजिए आगे का डिश वाला है ना दोस्तों, आगे की डिश वाले प्लेट में भी ऑयल चला गया है, पता नहीं यहाँ से सोकर लीक कर गए हैं ऑयल। और इसमें भी दोस्तों इस वाले मशीन में भी ऑयल चला गया है। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक 5 नंबर की अलंकी और एक रियल माल। तो इनको खोलते हैं, इस वाले मशीन को खोलते हैं और इस वाली पट्टी को भी दोस्तों डिस्क को भी साफ़ करते हैं। तो सबसे आसान तरीका बता दूँगा खोलने का, तो ये दो वाले दो स्क्रू खोलने हैं आपको, ये वाला और ये वाला दोस्तों। ये वाले खोलने पे इसकी सेटिंग दोस्तों बहुत ही ख़राब हो जाती है, एकदम से वापस सेट नहीं होता। तो मैं इनको खोलता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये इस प्रकार से लगते हैं ये, और ये इस वाले स्क्रू को भी खोल लेना है ताकि ये वाला वायर बाहर निकलाए। तो इनको खोलने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो सबसे पहले इस वाले स्क्रू को यहाँ से एलिंग क्यों करते हैं फिट इसमें, तो करते हैं लूज। तो मैंने इनको कर लिया लूज, अब निकाल लेते हैं मशीन को बाहर। तो मैंने मशीन को कर लिया है साइकिल से अलग, और ये वाला वायर देखो, ये वाला वायर यहाँ से कटा हुआ था तो मैंने इस वाले को भी इसके साथ रख दिया है। और अब करते हैं मशीन को अलग, ये हमारी मशीन आ चुकी है बाहर, अब इसको भी रिमूव करते हैं। सबसे पहले ये चेक करिए मशीन के 3 वोल्ट हुए, तो इस वाले को भी लूज़ करना है, इस वाले को भी लूज़ करना है दोस्तों। इसमें तो इसको पहले लूज़ कर दिया ताकि एडिस वगैरह ठीक हो जाए, तो इसको कर दिया है मैंने लूज़, और इन दोनों को लूज़ करता हूँ मैं। तो मैंने इन दोनों स्क्रू लूज़ कर लिया इस तरह से, नीचे कर देते हैं इन्हें। तो दोस्तों देख लीजिए ब्रेक नहीं लगने का कारण क्या है। तो डिस वाली पट्टी देखिए, इसके अंदर ये गुटके आते हैं ना, इसमें देखिए कितना सारा ऑयल जमा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करिए कितना सारा, और यहाँ से भी ये गिल्ली हुई है। तो इनको अभी साफ़ करते हैं, और किस प्रकार से साफ़ किया जाता है इसी वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और इसी वीडियो में आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, और पीछे से स्टोपी मार के दिखाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो रियल है। तो इसमें आपको दिखाएंगे साइकिलों चला के आगे वाली ब्रेक मार के कि पीछे से उठती है नहीं उठती, सो ऑप्शन उठा के दिखाऊंगा, और इस पर ब्रेक को सही करके दिखाऊंगा। तो बिना देर के साबुन वाला पानी लेके आता हूँ, और इन्हें साबुन वाले पानी से धोते हैं, और एक से दो चीज़ों की और जरूरत पड़ेगी दोस्तों। टोपर्स वाला आता है ना जो हम मंजन करते हैं, उस वाले ब्रश की जरूरत। ये चेक करिए मैंने सभी के सभी सामान लिया है, इसमें दोस्तों सरफ है, और इस वाले रेजमाल का हमें बाद में जरूरत पड़ेगी ताकि ये पट्टियाँ सूख जाए। तो सबसे पहले इन पट्टियों को हम करते हैं गिल्ला, ये चेक करिए सभी को अंदर डाल देता हूँ मैं। अब करते हैं इनको सफाई, तो सफाई किस प्रकार से करनी है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। छोटे वाले कर देते हैं इसको इस प्रकार से, इसको वाइट वाइट दाने से दिख रहे होंगे आपको, ये सिरप के दाने हैं। तो इनको करते हैं सफाई अभी, कुछ इसी प्रकार से सफाई करनी है आपको। तो इसको छोड़ते हैं पहले, और इन पट्टियों की सफाई करके दिखाते हैं। तो इन पट्टियों पर कुछ प्रकार से दिखाना है आपको, वाइट वाइट डाल देना है, और करीबन 5 से 6 मिनट ऐसे एयर करते रहना है ऐसे ही। तो इसमें तो अधिक टाइम लगने वाला है, तो बिना देर के मैं इनको सेट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से किया जाता है। मैंने इन सबको क्लीन कर दिया है, अब इनको 5 से 10 मिनट के लिए सूखने देते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने पानी से क्लीन किया ना तो ये पट्टियाँ वगैरह गिली है। तो इनको 5 से 10 मिनट के लिए सूखने देते हैं, फिर इस बार रेजमाल का काम होता है। तो यहाँ से इनको करना है घसना है, फिर दिखाते हैं आपको 10 से 15 मिनट बाद ही। सो दोस्तों इस वाली पट्टी को इस वाले रेजमाल से आपको घसना है इस वाले से। तो इस तरह को आपको पट्टी को पकड़ना है इस प्रकार से।
प्रकार से इसको भी कोसना है, तो इसको भी अभी कर देते हैं घिसते थे। और अब दिखाएंगे, चेक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको डिस्क लगती है, और ब्रेक दिखाएंगे कितना पावर आ गया है। तो ये चेक करें, मैंने कर दिया इस वाली मशीन को इंस्टॉल, यहाँ पे ये देख लीजिए। इस वाली डिस्क को मैंने साफ़ भी कर दिया है कपड़े से, तो आपको सूखे कपड़े से इनको साफ़ करना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो आपको इसको टेस्ट कराना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा आपको।